स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बम्पर भर्ती के लिए जो कि है पटवारी की, और यहाँ पे लगभग 4400 से अधिक पद हैं। इसके लिए आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए 18 से लेकर 40 वर्ष। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाने के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, वहां पर आप उसी एप्लीकेशन में सभी लेटेस्ट वैकेंसी को एक साथ पा सकते हैं। जब आप ऐप में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है राजस्थान से आने वाली पटवारी भर्ती। यहाँ पे आप देखेंगे कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये भर्ती लाई गई है, और यहाँ पे अगर हम डेट्स के बारे में आपको बताएं तो इस भर्ती के बारे में बहुत पहले यानी कि दिसंबर 2019 में ही बता दिया गया था, लेकिन इसका आवेदन 20 जनवरी 2020 से शुरू हो गया है और इसके लिए अंतिम डेट है 19 फरवरी 2020 तक आप इसका आवेदन कर पाएंगे। अगर एडमिट कार्ड के बारे में बात करें तो इसके लिए अभी कोई डेट नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के लिए, तो जनरल और ओबीसी को 450 रुपए, अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको 450 रुपए, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 350 रुपए, एसी एसटी को 250 रुपए देना होगा। यहाँ पे जो पद हैं उनकी संख्या है 4421, और इसके लिए आपकी उम्र की काउंटिंग होगी 1 जनवरी 2019 को। इस दिन आपकी उम्र कम से कम 18 साल अधिकतम 40 साल हो सकती है। यहाँ पे ये पूरी वैकेंसी पटवारी के लिए है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरी वैकेंसी है इसको दो टाइप में बांट दिया गया है, नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया के रूप में। इसके अलावा अगर आप इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानना चाहते हैं तो ये कई तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, और उसके साथ आपके पास डोएक का ओ लेवल या फिर कंप्यूटर में डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो कोपा या फिर डाटा सर्टिफिकेट है तब भी आप इसका आवेदन कर पाएंगे, या फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया है तब भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। कुल मिला के इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर आने के बाद अगर आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन के सामने दिए गए क्लिक हियर पे क्लिक करके आवेदन कर पाएंगे। अगर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के सामने दिए गए क्लिक हियर पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह अगर आप इस वैकेंसी का आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो का नोटिफिकेशन या फिर पहला कमेंट बॉक्स जरूर चेक करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।